एक बारी ना संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वाले बाप ओ मुक्तसर साहब गए ते मुक्तसर साहब गुरु खालसा जी वड़े अमृत वेले उठे उठ के उन्हां ने इशनान किया ते संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरा वाले बाप ओ दसदे भी ठंड इन्नी महापुरखा इशनान का पता नहीं चा कि चढ़िया 13-14 महापुरखा ने कुछ टोभे लाए इशनान किया। गुरु खालसा जी जपजी साहब का पाठ महापुरखा ने सरोवर के खलो के किया। जो बाहर निकले तो कह लगे करतार सिंह दसन जीत नहीं करता हुक्म दे बजे है पर मन विच कुमा आया है अज माघ दे महीने का एडा वड्डा महात्म असाने जाणिया है। गुरु कलगीधर पातशाह ते शहीद सिंह सरोवर के द्वारे द्वारे खड़े ने। अज सरोवर के उत्तों की पंछी भी उठ के लग जाए ना वह भी परम गति नूं प्राप्त हो जाएगा। गुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। एडा वड्डा गुरु खालसा जी माघी दे इशनान का महात्म है। सच्चे पातशाह जी ने उत्थे गुरु खालसा जी 40 गुरु के सिंह उन्हां नूं दरगाह दे विच खालसे दे बीज वजों रखिया। जदों 40 गुरु के सिंह शहीद होए सच्चे पातशाह जी कले कले सिख कोल गए अपनी गोद विच रखिया मत्था चुमिया प्यार दिता मुख तो बचन फरमाए 40 सदार के बीज खालसा मुक्ते पावन सिंह भरी। गरीब रवाज ने कहा है जेडे 40 गुरु के सिंह ने ना ये खालसे का बीज रखिया दरगाह दे विच जिवें कणक दे वेले आपां कणक दे तीन हिस्से करदे हैं एक वेच दिंदे हैं एक अगली बार बीजन लई रख लैंदे हैं एक खाण लई रखदे। महाराज कहिंदे खालसे दा बीज रखिया है पहली ते गल गुरु के खालसे ने मुकणा नहीं जे किते गुरु के खालसे दी जोत वधो पैंदी जप इहनां विच्चों इक अद्धा सिंघ भेज लिया करांगे। इहो जा करके गुरु के पंथ खालसे विच फिर जोत नूं उज्जल कर दिया करेगा जोत नूं सुरजीत कर दिया करेगा। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡੱਟਾ ਬਿੜਬਿੜ ਤੱਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ ਪੈ ਨਾ ਸਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਪੈਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਦੇ ਤੱਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਰਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਮਾਘ ਮੱਜਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੁਰਾਣੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲਾਓ।